नमस्कार, स्वागत है आपका सच्चाई की खोज में। आज हम आपको एक इन्फॉर्मेशन बताने वाले हैं और ये आपके लिए ज़रूर फ़ायदेमंद साबित होगी। आप सब फेसबुक तो चलाते ही होंगे और आपने फेसबुक हैकिंग के बारे में भी सुना होगा और हो सकता है आप लोगों के साथ हुआ भी हो। लेकिन अब ये हो गया है कि फेसबुक से आपके पैसे भी गायब हो रहे हैं। वो किस तरह हो रहे हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपके साथ आसपास भी कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत एक्टिविटीज से आप गुजर रहे हैं या आसपास ऐसा हो रहा है या कुछ स्कैम फ्रॉड आप देख रहे हैं, तो आप हमें उसके बारे में बता सकते हैं। आप हमें उसके बारे में ऐसे बता सकते हैं कि आप हमें ईमेल के थ्रू बता सकते हैं कुछ ऐसा आपके साथ हो रहा है, या आप इंस्टाग्राम पे हमें मैसेज कर सकते हैं इस बारे में। अगर आपके पास प्रूफ होंगे या आपकी स्टोरी में सच्चाई दिखाई देगी तो हम आपकी बात जनता तक ज़रूर पहुँचाएंगे और आपकी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं कि फेसबुक पे ये क्या हो रहा है, क्या स्कैम, क्या फ्रॉड चल रहा है। तो फेसबुक पे अब ये देखा जा रहा है कि आप सबने देखा तो होगा कि फेसबुक पे कितने सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, ऑफर्स आते हैं अलग अलग ब्रांड के, छोटी ब्रांड, बड़ी ब्रांड, हर टाइप की। तो फेसबुक पे हाल ही में देखा गया एक केस सामने आया है बेंगलोर का। तो वहाँ पे ये हुआ था, एक ऑफ़र था, एक लेडी थी, उनको एक ऑफ़र दिया गया था। उन्होंने देखा था ऐड कि उनको एक थाली के साथ दो थाली फ्री दी जा रही थी 250 रुपये में। वहाँ पे उनका नंबर भी डाला हुआ था। तो उन लेडी ने जब उसको कॉल किया तो उन्होंने उनको बोला, मैडम आपका हो जाएगा लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, हम आपको एक लिंक भेज रहे हैं तो वो आपको फिल करना है और आपको 10 रुपीज़ पहले पेमेंट करनी है, बाकी आपके डोर स्टेप पे आपका ऑर्डर आ जाएगा। तो हुआ ये था उनके साथ कि उन्होंने उनके पास सब आ गई, डिटेल्स आ गई, लिंक आ गया। तो उन्होंने लिंक पे क्लिक किया, फॉर्म फिल किया, फिर जब उन्होंने पेमेंट कर दी अपनी डिजिट डाल के, पिन कोड डाल के, तो ये हुआ कि उनके अकाउंट से 49,000 रुपये कुछ ही देर में गायब हो गए। तो एकदम से आप सोच सकते हो कि एकदम से आप सोच कुछ और रहे हो और हो कुछ और जाए। आप वो सोच रहे थे कि उनको एक लालच कह सकते हैं, लालच आ गया था कि एक के साथ दो चीज़ें फ्री मिल रही, तो उन्होंने ऑर्डर कर दिया और हुआ ये कि 49,000 की ठगी हो गई थी। उस समय देखा गया था कि उनके होशो हवास उड़ गए थे, वो थाने गई और उन्होंने कंप्लेंट की वहाँ पे जाके, और ये मामला अभी साइबर क्राइम में है। साइबर क्राइम इस पर जाँच कर रही है और अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है कि कहाँ से ये ठगी की गई है, कहाँ पर इसका सर्वर है, इस पर अभी जाँच जारी है। तो कहने का मतलब यही है कि आजकल ये देखा जा रहा है, जैसे लिंक आपको भेजा जाता है तो आप उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि फेसबुक पे नहीं, हर जगह ये देखा जा रहा है कि एक लिंक शेयर किया जाता है, आपको मैसेज किया जाता है, या आप किसी लॉटरी के थ्रू भी आपको बोला था कि आपकी लॉटरी लग गई है तो आपको ये ऑफ़र हम दे रहे हैं कि आप इस लिंक पर क्लिक करें और एक फॉर्म होगा वो फिल करें, उसको प्रोसीड कर दें, हमें भेज दें। आप जैसे ये चीज़ें करते हैं तो आपका फ़ोन ही हैक हो जाता है और आपकी सारी डिटेल, बैंक डिटेल, जो भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं, गूगल पे हो चाहे कुछ भी हो, UPI हो, तो वो सारा उस हैकर के पास पहुंच जाता है और चंद मिनटों में आपकी जो रकम होती है बैंक अकाउंट की वो गायब कर लेता है। और उन लेडी के बारे में बता दें कि ये सब जो उनके पास हुआ तो वो फ़ोन नंबर ही फिर बाद में बंद आया, कुछ देर तक तो फ़ोन नहीं उठाया, उसके बाद वो नंबर ही बंद हो गया जिस पे उन्होंने कॉल किया था। तो आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ठगी देखी जा रही है ऑनलाइन के ऊपर। पहले और जगह देखा जाती है, फेसबुक पे एडवर्टीजमेंट के ऊपर ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि अलग अलग एडवर्टीजमेंट दिए जाते हैं, उसके थ्रू ये फ्रॉड का धंधा ये चालू है। तो हम अपनी तरफ से आपको यही अपील करेंगे कि इस तरीके का अगर फ्रॉड आपके सामने आ रहा है या स्कैम आपके साथ भी हुआ है तो आप हमसे शेयर करें, हम आपके पास जनता तक पहुंचाएंगे और एक तरीके का ये सोशल अवेयरनेस होगा जिससे आगे किसी के साथ ऐसा ना हो। क्योंकि देखा जा रहा है कि ऐसे छोटे छोटे फ्रॉड या यही फ्रॉड आगे जाके बड़े बनते हैं। तो जो पैसा होता है वो बड़ी मेहनत से कमाया जाता है, वो किसी का भी हो, हम भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ ये हो, ना आप चाहेंगे किसी के साथ ये हो। तो एक यही हो सकता है कि ऐसी वीडियो आपके सामने आती हैं, चाहे वो कहीं से भी आए, तो आप ऐसी इंफॉर्मेशन दें या ऐसी वीडियो को शेयर करें जिससे सोशल अवेयरनेस हो
और लोग इन सब चीज़ों को करने से पहले बचें, जांच परख लें, किसी लालच में ना जाएं, क्योंकि कई बार देखा जाता है वो लोग इस तरीके से बात करते हैं कि आप बिल्कुल उनकी बातों में आ जाएंगे, कि आपको लगेगा कि बिल्कुल ये सामने वाला इंसान सच बोल रहा है। लेकिन अगर एक सोशल अवेयरनेस होगी, आपको पहले से ही पता होगा कि आजकल ये स्कैम चल रहा है, फ्रॉड चल रहा है, तो आप एक तरीके से सतर्क रहेंगे उस समय और इन सब चीज़ों से बच पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, आप इससे आपको काफ़ी सीख मिली होगी और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे जिससे और लोग भी इससे अवेयर हो पाए। तो ये जो भी चीज़ें चल रही हैं ये बंद हों, जो ये इस तरीके के स्कैम चल रहे हैं, फ्रॉड चल रहे हैं, आपकी बैंक से सारी रकम गायब हो जाना चंद मिनटों में, ये बंद हो। क्योंकि अगर आप अवेयर रहेंगे तो कोई भी हैकर आपका कुछ नहीं कर सकता, वो लिंक भेजता रहेगा, जब आप क्लिक ही नहीं करोगे, आप इन सब चीज़ों से अवेयर रहोगे तो धीरे धीरे ये जो गोरख धंधा चल रहा है ये धीरे धीरे शायद बंद हो जाए। और हमारे पास ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन आती रहेंगी तो हम आप तक शेयर करते रहेंगे और एक सोशल अवेयरनेस आपको देते रहेंगे, और हमारी ये सच्चाई की खोज यूं ही जारी रहेगी। सत्य में जयते।